लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका होम लोन किन वजह से रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप अपने नए घर के लिए होम लोन की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, नहीं तो बैंक आपके लोन की जो लोन रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी वजह जिनके चलते बैंक आमतौर पर जो लोगों की एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देती है। दोस्तों, अगर आप जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं और अचानक सोचते हैं कि मकान खरीद लें, ऐसे में बैंक आपको लोन देने से इनकार कर सकता है। बैंक उन लोगों को प्राथमिकता देता है जो लोग स्थिर होकर किसी कंपनी में काम करते हैं। नंबर दो, जो लोग लोन की ईएमआई समय पर नहीं चुका पाते हैं उनका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाता है। यदि आपका नाम भी डिफॉल्टर लिस्ट में है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। नंबर तीन, यदि आप किसी पुरानी इमारत में फ्लैट खरीद रहे हैं तो भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। 20 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग पर लोन मिलना तो लगभग नामुमकिन है। अगर किसी बैंक ने आपको पहले कभी लोन देने से इनकार किया था तो बैंक उस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। अपने डेटाबेस और आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को जानने के बाद ही बैंक आपके बारे में लोन देने का निर्णय करेगा। अगर आप पहले कई सारे लोन ले चुके हैं और एक भी लोन अगर आपने समय पर जमा नहीं किया है, समय पर पूरा नहीं किया है, तो बैंक आपको लोन देने से इनकार कर सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है और आप बेड क्रेडिट रेटिंग में आते हैं तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। ऐसा तब होता है जब आप ईएमआई चुकाने में देरी करते हैं। जिस बिल्डिंग में आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं अगर वह नगर निकाय के नियमों के अंतर्गत नहीं बनी है तो भी बैंक आपको लोन देने से इनकार कर सकता है। जिस संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं यदि उस पर कोई केस चल रहा है तो भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं 8 ऐसे जो रीजंस है कि जिनकी वजह से बैंक आपको लोन देने में मना कर सकता है। तो मैं हूं आपका दोस्त विनोद, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।